पवित्र तीर्थनगरी पुष्कर में मीरा के आराध्य देव गिरधर गोपाल का पाटोत्सव बड़े ही धूमधाम से कोरोना गाइडलाइन के तहत मनाया गया। इस दौरान गिरधर गोपाल की सुंदर सजावट भी की गई। बताया जाता है कि मीरा ने यहीं पर वह गिरधर गोपाल की मूर्ति स्थापित की थी, जो मीरा हमेशा अपने साथ रखती थी। इस दौरान जगतगुरु श्री श्री निम्बार्काचार्य श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज भी उपस्थित रहे और सभी भक्तों को दर्शन लाभ दिया। पुजारी नवनीत शास्त्री ने बताया कि इस दौरान संगीतकारों ने एक से एक बढ़कर भजन व कीर्तन प्रस्तुत किए। Thank you.
अनिल जी, आज क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए? आज हमारे यहाँ श्री कृष्ण गोपाल मंदिर प्रशासन द्वारा पुष्कर राज के अंदर परम पूज्य जगत गुरु श्री जी महाराज के सानिध्य में महाभिषेक प्रातः 9 बजे से महाभिषेक शुरू हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा विद्यार्थी हमारे जो विद्यार्थी हैं वो सब पधारे यहाँ और उनके वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा महाभिषेक हुआ। उसके बाद ठाकुर जी का दिव्य श्रृंगार हुआ। उसके बाद महाआरती हुई, राजभोग प्रसाद हुआ और सभी भक्तगण परम पूज्य जगत गुरु श्री श्यामचरण देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में सानंद संपन्न। आज का जो पाठोत्सव मनाया जाता है, आखिर क्या विशेषता है, क्यों मनाया जाता है? आज के दिन हमारे श्रीमती भक्तिमती मीराबाई जी के परम आराध्य श्री कृष्ण गोपाल जी देवता हैं, उनको हमारे परम पूज्य आचार्य श्री चरणों में यहाँ उसका राज में समर्पित करके गए थे। उनकी सेवा निरंतर आज मीराबाई के काल से आज तक निरंतर प्रशासन द्वारा में परम पूज्य जगत गुरु श्री श्री जी महाराज के सानिध्य में नित्य निरंतर अभिषेक आरती भोग सभी नित्य चल रहा है। आज ही के दिन ये मंदिर प्रतिष्ठापित हुआ था? आज ही के दिन मंदिर के प्रतिष्ठा हुई थी। वही पाठोत्सव महोत्सव है।